दोस्तों स्वागत है आपका ड्राइव साइंस के एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त अमित। मैंने कॉमन क्वेश्चन देखा था मेरे वीडियोस पे कि सर जब हम चलते हैं ड्राइविंग करते हैं तो ब्रेकर आ जाता है, तो ब्रेकर क्रॉस करते समय हमारे फुट का मूवमेंट कैसा होना चाहिए, क्या हमें क्लच दबाना चाहिए, क्या हमें क्लच नहीं दबाना चाहिए, या फिर ब्रेक अप्लाई करके हम डायरेक्ट निकाल लें या फिर वो भी अप्लाई ना करें। कई लोगों के क्वेश्चन थे और कई लोगों को कन्फ्यूजन भी है कि सर हमें क्लच दबाना चाहिए या नहीं दबाना चाहिए। अब देखा जाए तो कई लोग बोलते हैं कि क्लच दबाना गलत होता है ब्रेकर क्रॉस करते टाइम, और कई लोग बोलते हैं कि सिर्फ ब्रेक लगा करके गाड़ी क्रॉस करना ये भी गलत चीज़ है। तो कौन सी चीज़ सही है मैं आपको चीज़ बताता हूँ। दोस्तों अलग अलग ब्रेकर होते हैं, जैसे आप सभी को पता है इंडिया है, इंडिया में कुछ भी हो सकता है। तो ब्रेकर्स जो होते हैं ना उनका साइज़ भी कोई डिफाइंड नहीं है, कहीं पर ऊँचा टेपर बना देते हैं, कहीं पर बड़ा सा बना देते हैं, कहीं पर ऐसा ह्यूज ब्रेकर बना देते हैं, कहीं पर कैसा भी बना देते हैं। आप गली मोहल्ले में जाओ अलग अलग ब्रेकर आपको मिलेंगे। अलग अलग ब्रेकर क्रॉस करने के लिए टेक्निक भी थोड़ी सी अलग अलग होती है। आज की वीडियो में मैं आपको एक बेसिक चीज बताने वाला हूँ कि ब्रेकर क्रॉस करते हो तो स्मूथली कैसे कर सकते हो। अब कई लोग बोलेंगे मेरा वीडियो देख कर कि सर आप गलत टेक्निक बता रहे हो, और कई लोग मेरे सपोर्ट में रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। जस्ट आगे एक ब्रेकर है, थोड़ा ऊंचा टेपर है, उसकी चौड़ाई कम है ऊंचाई ज्यादा है। अब उसको किस तरह से हमें क्रॉस करना चाहिए, तो चले दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो यार गाड़ी के अंदर माहौल कैसे बनता है, माहौल बनता है गाड़ी के इंटीरियर और उसके अंदर आने वाली फ्रेग्रेंस से। लेकिन दोस्तों हमें पता ही नहीं होता है कि हमारी गाड़ी के अंदर कौन सी ऐसी फ्रेग्रेंस है जो अच्छी लगेगी, जो चार लोग बैठेंगे तो मजा आएगा। मैं आपको बताता हूँ, वो है इन्वॉल्व का रेन फॉरेस्ट गोल्ड लीफ कार परफ्यूम। बहुत ही प्रीमियम और रिच खुशबू है दोस्तों। इसके जो एसेंशियल ऑयल है ना, दो स्प्रे करते ही आपकी गाड़ी के अंदर इतना गजब का माहौल बना देते हैं कि आपको लगेगा कि आप एकदम कूल जैसी जगह में बैठे हो। हल्की सी धूप निकल रही है, हल्की सी बारिश है और ठंडक सी हवा चल रही है। इतनी गजब की फ्रेग्रेंस आती है दोस्तों इस परफ्यूम के अंदर। 30 ml की परफ्यूम की बोतल है, लेकिन 2 से 3 महीने आराम से चलती है और आपके लंबे सफर का साथी भी है। और इसको इस्तेमाल करना बहुत ही सिंपल है दोस्तों। बस इसमें इस तरह का एक कार्ड आता है, आप इस कार्ड को अपने IRVM पे लगा दो और 2 स्प्रे करो, बस उसके बाद ये अपना काम स्टार्ट कर देगा। और आपको ये परफ्यूम पसंद आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, अभी जाकर के चेकआउट करें और एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए यूज करें ड्राइव सेंस। तो दोस्तों हमेशा की तरह आप देख सकते हो 2 स्क्रीन लगाई है, फ्रंट भी दिख रहा होगा और फुट मूवमेंट भी इसलिए लगाया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। दोस्तों जब आप ब्रेकर क्रॉस करते हो ना तो 2 तरीके होते हैं ब्रेकर क्रॉस करने के। मैं उन ब्रेकर की बात कर रहा हूँ जो छोटे होते हैं लेकिन ऊंचाई उनकी ज्यादा होती है, जो क्रॉस करने पर जिनको काफी झटका लगता है। अब उन ब्रेकर्स को आप 2 तरीके से क्रॉस कर सकते हो। मैं आपको 2 टेक्निक बताऊंगा, जो दोनों टेक्निक है ना उन दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है लेकिन एक्सपीरियंस में काफी डिफरेंस आएगा। पहली टेक्निक मैं यूज करूंगा क्लच, ठीक है। अभी चलते हैं हम। जस्ट आगे एक ब्रेकर है लेकिन वो ब्रेकर ऐसा है कि मतलब बहुत अजीब सा, सामने सूरज है, पता नहीं शायद आपको जस्टिफाई होगा या नहीं होगा कैमरे में, देख लेते हैं। जस्ट ये आगे एक ब्रेकर आ गया है, ये ब्रेकर को हम क्रॉस करते हैं। अब लोगों को कंफ्यूजन क्या होता है कि हमें ब्रेक कहाँ से लगाना स्टार्ट करना है, तो आपको सिंपल सी चीज़ है, जब आपके वाइपर ब्लेड से ब्रेकर दब जाए तो आपको मतलब स्लो डाउन कर लेनी है। अब जैसे यहाँ पे आ गया, मैंने क्लच दबा दिया, सेकेंड गियर में ही है और स्मूथली ये पहला तरीका तो ये है, आप क्लच दबा करके अपनी गाड़ी को धीरे धीरे निकाल लो। अब इसमें क्या हुआ दोस्तों, इसमें ये चीज हुई कि मेरे को झटका नहीं लगा और मेरे साथ में जो अगर बैठे होंगे उनका भी एक्सपीरियंस खराब नहीं होगा। अब एक टेक्निक और देख लो, जो जनरली लोग बोलते हैं कि यहाँ पे हमें क्लच इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब देखो मैं वापस यू टर्न लेता हूँ और वापस से क्रॉस करता हूँ ब्रेकर को। फर्स्ट गियर लिया अपन ने, अब यहाँ पे अपनी पोजीशन क्या होगी देखना। यहाँ पे मैं क्लच नहीं दबाऊंगा, सिर्फ गाड़ी को स्लो डाउन करूंगा और उस कंडीशन में आपको कैसा जर्क महसूस होता है आप खुद सोचिएगा, स्क्रीन में आपको समझ में आ जाएगा। और स्क्रीन में तो काफी कम झटका लगेगा लेकिन एक्चुअल में जब आप गाड़ी चलाओगे ना तो काफी फील होगा। अभी जैसे यहाँ पे मैं ब्रेक लगा रहा हूँ, सिर्फ क्लच नहीं दबा रहा हूँ, ये फील हुआ आपको, लगा होगा मेरी बॉडी बहुत ज्यादा मूवमेंट में आ गई थी। तो ये दोनों तरीके हैं, आपको कौन सा सही लगता है आप वो कीजिए। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप फर्स्ट वाला ही करो, लेकिन मैं तो फर्स्ट वाला ही यूज करता हूँ ताकि मेरे को एकदम खराब एक्सपीरियंस ना हो, धचका ना लगे।
इसलिए मैं फर्स्ट वाला करता हूँ। अगर आपको सेकंड वाला पसंद है आप सेकंड वाला करो, कोई दिक्कत नहीं, बाकी उसमें झटके बहुत जोर का लगता है। तो यही था दोस्तों, छोटा सा वीडियो था, आई होप आपको समझ में आया होगा मैं क्या बताना चाह रहा था, और उम्मीद है आप जो भी टेक्निक यूज करोगे आप अच्छे से ड्राइविंग करोगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में यही था, आई होप आपको काफी कुछ समझ में आया होगा, समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक करें।